हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरावर्णा व्लॉग्स में। तो इस वीडियो में हम आपको निसान मैग्नाइट दिखाएंगे, जो कि है एक एक्सी वेरिएंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं इसके फ्रंट में। तो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसका लुक क्रेटा टाइप लगता है, और अगर हम इसके सामने देखें तो फिर यहाँ पर आपको निसान की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल जो कि आसपास क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की स्किड प्लेट है, और यहाँ पर फॉग लैंप्स के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हेलोजन लैंप्स मिल जाती हैं। यहाँ पर पार्किंग लाइट्स और टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको DRLs की स्पेस में आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, और यहाँ आपको हेलोजन लाइट पर भी क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। तो अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको C8 के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि है 195/16 R16। तो ये 16 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर मैग्नाइट की ब्रांडिंग मिल जाती है। और दोस्तों, अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो ये है बॉडी कलर डोर हैंडल्स। यहाँ पर आपको 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पर टेल लैंप्स मिल जाती हैं आपको। यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है और रियर वाइपर मिल जाता है। यहाँ पर एक फिर से निसान की ब्रांडिंग और मैग्नाइट यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पर रियर बम्पर है, जिसमें 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स। तो फिर हम इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी की बात करें तो आपको यहाँ पर रिमोट की नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे ही इंसर्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों इसका इंटीरियर। तो हम अब इसके इंटीरियर में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको अगर इसका इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करना है तो यहाँ पर आप इसकी को ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका इंफॉर्मेशन पैनल ऑन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल दिख जाता है, यहाँ पर माइलेज मिल जाती है, यहाँ पर ट्रिप ए मिल जाता है, फ्यूल यूज्ड जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी ने कितना फ्यूल यूज़ किया है। यहाँ पर आपको एवरेज माइलेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हमें ट्रिप डी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें इसकी रेंज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद हमें यहाँ पर एक डिजिटल सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिजिटल RPM का सिस्टम है, और दोस्तों यहाँ पर यहाँ फ्यूल इंडिकेटर, कितना फ्यूल है कार में, इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इसकी स्टीयरिंग एकदम नॉर्मल स्टीयरिंग है, इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं है म्यूज़िक सिस्टम के, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको लैम्बोर्गिनी स्टाइल के AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है। इससे ऊपर जो वेरिएंट है XL, उसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, हैजार्ड लाइट, यहाँ पर बूट ओपन, और यहाँ पर ये डिफॉगर, यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें AC नॉब्स मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें मोबाइल या फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, ये रहा आपका चार्जिंग सॉकेट। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। ये आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, इस कार में दिया गया है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर पीछे भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। ये आपका हैंड ब्रेक, और यहाँ आप अगर हम इसकी सीट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी की सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं सीट्स यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं,
सारी विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल, डोर ओपनर मिल जाता है और यहाँ पर आपको डोर लॉक मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको एक बैक मिरर, बैक व्यू मिरर मिल जाता है और यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको एक कार्ड होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है दोस्तों। इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक वैनिटी मिरर दिया गया है। और दोस्तों हम अब इसकी बैक इंटीरियर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस डोर हैंडल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है दोनों सीट्स में और यहाँ पर आपको बैक सीट्स में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको फुल फोल्डेड सीट मिल जाती है कि ऐसे आप इसको ऐसे उठा के यहाँ से भी और यहाँ से भी आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीछे बूट मिल जाता है जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो गाइस यहाँ आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पर ऑल विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं। तो दोस्तों ये था इसका बैक इंटीरियर, यहाँ भी आपको काफ़ी सॉफ्ट सीट्स मिल जाती हैं। हम अब इसकी बूट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे बूट मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 336 लीटर्स का बूट देखने को मिल जाता है पर जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप इसकी सीट्स को ऐसे फोल्ड कर देंगे तो आपको फुल 690 लीटर्स का बूट में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पीछे स्टेपनी देखने को मिल जाता है जो कि है CF का ही है, ये है 15 इंचेस का स्टेपनी। और दोस्तों यहाँ पर आपको कार के एक्सेसरीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा था इसका बूट। तो गाइस मुझे तो यह कार बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। तो दोस्तों यह थी मैग्नाइट एक्सी वेरिएंट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाय दोस्तों।